नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट में काफ़ी गिरावट है, 180 पॉइंट्स मार्केट डाउन है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 180 पॉइंट्स मार्केट डाउन है, ये मार्केट इससे बहुत ज़्यादा डाउन है एक्चुअली, क्योंकि सुबह ये 400 पॉइंट से ज़्यादा अप थे। तो अगर आप कैलकुलेट करें कि कितना हाई बनाया था उसने सुबह का और उसके बाद कितना डाउन गई है, तो लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आज डाउन है। मार्केट में सुबह के टाइम काफ़ी तेज़ी थी, ऑल राउंड बाइंग हो रहा था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, हैवी वेट स्टॉक्स में सेलिंग आनी शुरू हो गई है और एज अ रिज़ल्ट मार्केट आज काफ़ी नीचे बंद हुआ है। तीन दिन मार्केट प्लस में चल रहा था, आज मार्केट नेगेटिव बंद हुआ है। सरप्राइजिंग है क्योंकि आज एक्चुअली जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो बेटरमेंट की तरफ जा रहे थे, तो आज का जो फॉल है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो आज आपको बता दें कि मार्केट में क्या बचा रहा डाउन वाले दिन भी। देखिए, एशियन पेंट्स टॉप गेनर सेंसेक्स में, आप जानते हैं पेंट्स की चैम्पियन कंपनी, ये 0.2% के आसपास ये आज स्टॉक अप है। गिरती मार्केट में स्टॉक्स का बढ़ना अपने आप में एक फैक्टर होता है, तो वो स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। आपके सामने आज देखिए इंडसइंड बैंक, ये 0.25% जैसा अप। तो आज बैंक्स का शो जो है काफ़ी अच्छा था। निफ्टी बैंक जो है वो कल से चलना शुरू हुआ इंडेक्स, बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं कई दिन से डाउन पड़े थे, तो कल से वो इम्प्रूवमेंट आई है। आज भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बेटरमेंट दिखी थी। तो इंडसइंड बैंक ये देखिए 0.25% जैसा। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स आज बेटर थे, इन्फोसिस 1% से ज़्यादा आप है। तो ये सेंसेक्स के जो बड़े गेनर्स थे गिरती मार्केट में। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट की बात करें बड़े गेनर्स की, तो देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर ये लगभग 14% अप है। टीटागढ़ वैगन्स, ये देखिए ये रेल की कंपनी है, रेल इक्विपमेंट, रेल की कंपनीज में बहुत तेज़ी चल रही है, ये 11% स्टॉक अप है। उसके अलावा देखिए रियल एस्टेट में से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये 10% स्टॉक अप है। तो आज कोई ऐसे सेक्टर्स का वो कंसोलिडेटेड सेक्टर्स का दिन नहीं है कि पूरे सेक्टर के स्टॉक्स भागे हों, तो उसमें आज मिसलिनियस स्टॉक्स मतलब कोई इधर से कोई उधर से ऐसे चल रहा है। इसके अलावा देखिए आईटी कंपनी कोफोर्ज, इसमें ब्लॉक डील हुआ है, तो ये 9% से ज़्यादा स्टॉक आज अप गया था। तो आज का दिन सरप्राइजिंग क्योंकि मॉर्निंग में बहुत तेज़ी थी और आफ्टरनून में गिरावट। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।